Assalamu alaikum, my all viewers in RT Creative Vlogs. Myself, Saya Kawal. I am just back after, I think, 1 year. Due to some reason, I didn't get and this is what I want to do, that for the girls, housewives, even male can also go to the YouTube and then search the recipe and can cook each and everything without even if the female is not at home, wife is busy. Sometimes wife's life is so stressful. Main se all the husbands said that tum karti hi kya ho, like yaar kyun aap dekhe to sahi ki wo karti kya hai. Kabhi kabhi to unka stress level itna badh jata hai ki wo matlab thak jati hain, lekin ek waqt aisa aata hai ki wo phir bhi nahi kehti ki main khana nahi banaungi. Wo pakati hai, wo ghar ka kaam bhi karti hai, sab kuch karti hai, aur wo sometimes jobs bhi karti hain aur kaam ka kaam bhi karti hain, bahar bhi jati hain, andar ka sab kuch dekhti hain, events bhi attend karti hain. What is the name of this biryani? No. पुलाव? नो यार, अब तो सब पुलाव खा के बोर हो गए घर में सब. और पता है कल के बचे हुए सफ़ेद चावल भी पड़े हैं, अब हम क्या बनाएं. एंड देन आई जस्ट थिंक दैट व्हाट टू वी आर गोइंग टू मेक टुडे फॉर द लंच एंड डिनर एक्सेट्रा. किसी घर में एक ही दफ़ा लंच बनता है, वो डिनर में भी यूज़ होता है. किसी के घर में लंच डिनर एक ही बनता है. सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, और डिपेंड्स ऑन कि वो कैसे करते हैं. ठीक है, तो हमारे घर में जैसा है वैसा है. ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि हमें लंच में क्या खाना है. आर क्रेविंग फॉर समथिंग डिफरेंट. सो चले ऐसा करते हैं कि बहुत लंबी हो गई है. ठीक है, अब ये मसला यही था कि चलो कुछ क्रिएटिव बनाना है हमें, चलो बनाते हैं. अब मम्मा कह रही हैं क्या बनाए, मैंने कहा मम्मा आप थोड़ा वेट करें, मुझे सोचने दें. चावल पड़े हुए सफ़ेद हैं, अब सफ़ेद चावल पड़े हुए घर के, थोड़े से चावल और डालेंगे. तीन लोग हैं हम घर में, तो अब हम तीन लोगों के लिए तो कम से कम थोड़ा खाना ही बहुत है. जैसा कि मैंने कहा था, हमारे पास चावल बचे हुए थे रात से. ठीक है, अब हम इसे रखते क्योंकि आज नहीं खाए जाते. आज कुछ एक अब संडे है और क्रेविंग कुछ न्यू चीज़ की है. कुछ सालन नहीं बनाना संडे. पुलाव, बिरयानी कल बना ली, पुलाव भी पिछले बना लिया था उससे पिछले. अब मैं चाहती हूँ कुछ नया बने. मम्मा ने कहा तो मैंने कुछ नया, और हमारे पास चावल भी बचे हुए थे, ज़ाया करने नहीं थे, हमें चावल वेस्ट नहीं करने. अगर आपके चावल बच गए, आप फ्रीज कर रहे हैं उससे नीचे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये खाने के काबिल नहीं है. ये चावल हमने भिगोए थे पहले, पानी निकाल चुकी हूँ, ड्रेन कर चुकी हूँ पानी. इसमें कुछ मसला तो नहीं है कि मैं दिखाऊं कि अब ड्रेन कैसे किया जाता है. ड्रेन निकालना तो पानी आसान है, पानी इसमें है, थोड़ा सा पानी है तो मैटर नहीं करता इसको ना भी निकालें तो. अच्छा, तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पुलाव. चिकन टिक्का, वाइट चिकन टिक्का पुलाव, मतलब वाइट चिकन टिक्का पुलाव, वाइट चावल चिकन टिक्का पुलाव. इतनी ख़ास रेसिपी नहीं है कि मैं बोल बहुत स्पेशल चीज़ बनाने जा रही हूँ, क्रिएटिव नो. बट आपको अच्छी लगी वीडियो मेरी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड जस्ट वॉच, वेट एंड वॉच. आपको ये एक पतीला हमने बड़ा लिया. ठीक है, अब हमें बना रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, चिकन वाइट टिक्का पुलाव, और कह सकते हैं चिकन वाइट टिक्का पुलाव विद स्मोक. हमने जस्ट क्या किया है, ऐड चिकन. सबसे पहले तो चिकन धोते हैं वगैरह, ये सब तो सबको पता ही है, तो ये प्रोसेस तो सबसे पहले मैं कर चुकी हूँ. ये स्पून था इसके, इससे मैंने इसके अंदर डाला था ऑयल इससे, और सबसे बड़ी बात गैस. देखिए मैं सिलेंडर पर पका रही हूँ, क्या करें, खाना तो पकाना है ना. मम्मा बोलेंगी कुछ खाने को तो दो, तो क्या दूँ. अब इसमें सिर्फ मैंने क्या किया था, जो आपको स्पून दिखाया उसका ऑयल ऐड किया. थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, आप उसके अंदर चिकन डालेंगे. अब आप इसमें डालेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट. तीन इंग्रेडिएंट्स डल गए. रेसिपी ऐसी है कि एक इंग्रेडिएंट सबके पास मौजूद होते हैं, अदरक लहसुन मौजूद होता है, हर खाने में यूज़ होता है. किसी भी मिर्च भी होती है जो हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस के छोटी मिर्चों को रखते हैं तो आप फ्रिज में, तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाता है. इसमें क्रिएटिविटी ये भी है कि आप पहले से रख देंगे तो आपके लिए खाना बनाना ईजी होगा. दिस इज़ द नेम ऑफ माई चैनल, क्रिएटिव व्लॉग्स. अब डालेंगे आप चिकन टिक्का पाउडर, तंदूरी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं. नमक आप बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि चिकन टिक्का और तंदूरी मसाला में चिकन में नमक होता है. जब ऑलरेडी इसमें नमक है तो आपको नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो ऐड कर लें, लेकिन रेसिपी में ये मेरा यही है कि आप ऐड नहीं करें. मैं ऐड नहीं करी बिकॉज माई मम इज़ पेशेंट ऑफ ब्लड
मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर पे हाई ब्लड प्रेशर, तो जाहिर सी बात है उनका भी ख्याल रखना है मुझे ना। बस कुछ नहीं था, बस अब ये क्या लिया और थोड़ी सी दही डाल दें आप इसमें, कुछ और नहीं डालना, मैरिनेट करके रख दें। मेरे पास थोड़ा बिजी शेड्यूल था क्योंकि हम न्यू घर में शिफ्ट हुए, थोड़ा काम ज़्यादा फिर लोड, तो मैंने उसे मैरिनेट भी नहीं किया, मैंने एट अ टाइम बॉयल में ये सब डाला, बॉल में डाला। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप स्पून यूज़ करें या हैंड, मैंने जो किया था वो आपको बता दी। अब बॉल में मैंने ऐड कर दी ये सारी चीज़ें, और अपने हैंड्स को यूज़ करें ज़्यादा, क्योंकि कुकिंग में अगर आप हैंड से यूज़ करेंगे ना ज़्यादा लज्जत आती है। अब ये स्टेज है कि ये कलर ऐसा आ चुका है, मेरी चिकन भी गल चुकी है। आपको ये सब मसाले डालने के बाद अपने अपने पतीले पर जो उसकी लिड होती है वो ढक्कन ढकना है। ढक्कन इसलिए ढकना है क्योंकि आपने चिकन डाली है, वो अगर गलेगी नहीं तो आप खाएंगे कैसे कच्ची। मेरी मम्मा तो मुझे बातें सुनाएंगी भाई कि कच्चे खाने खिला रही हो मैं, एंड बाबा वो तो तारीफ़ कर लेंगे भाई, बेटियाँ बड़ी लाडली होती हैं, गंदा काम भी करेंगी ना, रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगी ना, बाबा कहेंगे नहीं मेरी बेटी ने बहुत अच्छा बनाया। मम्मा समटाइम तारीफ़ करेंगी मगर कहेंगी यार, मम्मा कहेंगे आपने मुझे कच्चा खाना खिलाया, मैंने कभी आपको कच्चे खाना खिलाएं, आप मुझे कच्चा खाना खिला रही हो, ये बात मैं आने ही ना दूं, मिस्टेक करूं ही ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैंने लिड लग दी, अब आप उसके उसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो, फ्लेम आपका स्लो होनी चाहिए, थोड़ी लाइट थोड़ी हो रही है, मैं यहाँ पर चार्जर लाइट में लेकर अपनी वीडियो बना रही हूँ। सी चार्जर लाइट, नो लाइट, नो लाइट, अब क्या करें भाई, कराची में रहना है तो ऐसे रहना है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, अल्टरनेट भी नहीं था, चीज़ें बैटरी लो हर चीज़ की। अब चार्जर लाइट तो है ना, चलें बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, चार्जर लाइट ऊपर की, मेरा अपना ही हाथ है, सेलफोन भी मेरे अपने हाथ में, मैंने स्टैंड भी यूज़ नहीं किया, मैंने माइक भी यूज़ नहीं किया। फिर कराची में रहने का मतलब भी नहीं, बल्कि आप कहीं भी जाओगे ना लाइट का इशू तो है, KESC का इशू तो है, मैं किसी की तारीफ़ या बुराई करने अपने चैनल पर नहीं आई हूँ, बट इशू इज़ इशू, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। आपने ढकी, आपकी चिकन गल गई है, अब मेरी चिकन बिल्कुल इस स्टेज पर है ठीक है, कि अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करूँ। नाउ वेट फॉर द अदर, ये चीज़ें ऐड हो गई हैं इसमें, अब आप और सी ज़ाहिर सी बात है, अब आप कैसे छोड़ देंगे उसको, ढक्कन ढक देंगे? नो, यू हैव टू मिक्स इट विथ स्पून। फ्लेम भी दिखा रही हूँ मैं कितना होना चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं पकेगा, आपकी चिकन गल चुकी है, अब ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा गलाने की या कुछ, क्योंकि चिकन गल चुकी है, अगर आप हाई फ्लेम पकाएंगे ना आपकी चिकन ज़्यादा हार्ड भी हो जाएगी, जल भी जाएगी और खाना मज़े का नहीं बनेगा। आपकी ये जब ये स्टेज है ना, जब आप इस स्टेज पे आ जाएं, आपकी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ भी गल, सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा वहीं गलाना, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल। फ्लेम भी दिखा रही हूँ मैं कितना होना चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं पकेगा, आपकी चिकन गल चुकी है, अब ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा गलाने की या कुछ, क्योंकि चिकन गल चुकी है, अगर आप हाई फ्लेम पकाएंगे ना आपकी चिकन ज़्यादा हार्ड भी हो जाएगी, जल भी जाएगी और खाना मज़े का नहीं बनेगा। अगला स्टेज क्या होगा, क्या बस हम चावल डाल देंगे ऐसे? नहीं यार, नो 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 नो, अब क्या हमें चावल गला, जब हम सीधे चावल बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम पानी डालते हैं फिर चावल डालते हैं, वो बॉयल, पहले तो पानी डालते हैं वो बॉयल होता है फिर चावल डालते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलाव भी इतना ही बनेगा, कुछ नया तो नहीं है इसके अंदर, नॉट अ रॉकेट साइंस इन इट, जस्ट बस अब हम इसमें अगली चीज़ ऐड कर। अगर मैं कह रही हूँ लाइट का इशू आ रहा है, आई एम सॉरी बट क्या कर सकते हैं, इग्नोर, आपके पास वीडियो अच्छी आएगी, आई नो। ये है हमारे पास पानी ठीक है, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे भाई, ये मेरा हमारा बाथरूम का जग मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये हमारा कुकिंग का जग है, ये ना समझना कि बाथरूम का जग लेकर आ गई और कर रही है गंदी है इतनी, सॉरी टू से, ये हमारा खाने का जग है जिससे हम खाने में यूज़ करते हैं। लास्ट मतलब आखिरी जो है ना वो है पोटैटो, अब आपकी मर्ज़ी आप उसके अंदर पोटैटो ऐड करें या ना करें, मेरी मम्मा कहती है पोटैटो खाती हैं शौक से, बाबा भी खाते हैं तो ऐड कर लेती हूँ, वरना ना भी करो आप तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके घर में पोटैटो लाइक बच्चे हैं अगर आपको उन्हें खिलाना है तो आप पोटैटो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी में क्या आप करेंगे। पास जितना पानी था देखें जग से मैंने इसमें डाल दिया, मैं जग उठाती या चार्जर लाइट उठाती या वीडियो बनाती अकेले क्या बनता, मेरे माई नॉट ऑक्टोपस यार, मेरे एट हैंड्स नहीं है ऑक्टोपस की तरह, एक को पकड़ो दूसरे पकड़ो तीसरे पकड़ो, क्या करूँ मैं अकेली, कोई नहीं घर में, साइलेंस बिल्कुल, नो वन इन दिस हाउस, आई एम alone, baba is at namaz, mama is outside for somewhere for, and I am just here making video, and aisi baat hai lunch to khana hai bhai, lunch khayenge to phir uske baad lunch to zaruri hai, khana to khana hai, lunch to koi banana hai, mamma ho ya na banana hai bhai, ab aap to bade ho gaye, aapko jab mamma aapko khilati thi ab aap unhe khilaye bana ke maze maze ke khane, dekhen ye hum ab isko mix karte chale jayenge,
अब भी आप सोच रहे होंगे शायद रेसिपी में बस अब चावल डालने तैयार हो गया। नहीं, अब आप इसको बॉईल करेंगे। सादे चावल जैसे आप बॉईल करते हैं ना, अपना फ्लेम अब आप तेज़ करेंगे, इसको बॉईल आएगा तो आप आगे रेसिपी में चावल ऐड करेंगे। नज़र आ रहा होगा मैंने अपना आखिरी पोटैटोज ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब वापस अभी हमें ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना, हमें वापस इसको अपने स्पून से ग्रेजुअली करना पड़ेगा, इसे स्पून से हिलाना पड़ेगा मिक्स करने के लिए, ठीक है। ये हमने अब इसको करना है मिक्स विद राइस स्पून। राइस के स्पून अलग होते हैं बनाने के, और जब आप कड़ी बनाते हैं सालन उसके स्पून अलग होते हैं। यहाँ आपको दो चीज़ें क्रिएटिव मिली, द वन इज राइस स्पून डिफरेंट, करी। व्हाट इज करी? देयर इज द वर्ड इन इंग्लिश, करी मीन्स सालन। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ माई व्लॉग इज क्रिएटिव व्लॉग। यानी एक चीज़ ही मिल रही है आपको, सिर्फ कुकिंग नहीं मिल रही है, आपको नॉलेज भी मिल रही है इंग्लिश के। करी को आप सालन कहते हैं, और जो आपका जो चावल का स्पून है उसको दूसरा होता है, वो उसकी भी नॉलेज मिल गई। फ्लेम है अब आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। सी थोड़ी देर लगेगी, जब ये बॉयल होगा तभी हम चावल ऐड करेंगे। इस स्टेज पे भी डालेंगे आपके चावल नरम पड़ जाएंगे, और आपका सारा का सारा जो आपने मेहनत की है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको वेट करना है बॉयल और करने तक, अच्छा खासा बॉयल हो जाए ना बिल्कुल, तब आपको अपने चावल ऐड करने। अब आप देख सकते होंगे ये बॉयल आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे जब तक ये बॉयल आ रहा होगा मैं इतना खड़ी रहूँगी? नहीं यार, गर्मी बहुत है, एक तो वैसे ही किचन में पसीने छूट जाते हैं खाना बनाते हुए, सो हॉट वेदर। और मैं यहाँ पर कैश के पास खड़ी रहती तो मेरे ख्याल से मैं बेहोश हो जाती। जब मेरी मम्मा आती तो मैं उनको दरवाज़ा भी खोलने को कोई नहीं मिलता, और वो बस बजाती रहती दरवाज़ा, अगर की होती तो वो आ जाती। बट इससे बचने के लिए मैंने कहा भाई इसको होने दे, मैं कुछ और काम करके आती हूँ। मैं यही बॉल मैंने आपको दिखाया था अपने राइस इसमें जो मैंने भिगोए हुए थे ड्रेन करके इसके चावल इसमें ऐड कर रहे हैं। सी माई बॉल, देख सकते हैं एक भी दाना नहीं है चावल का। और यह आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए चावल का एक दाना भी नहीं छूटे, क्योंकि यार सीरियसली इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बंदा एक बंदा एक खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, और हम होते हैं कि अनाज को ज़ाया कर देते हैं, हम ऐसे भी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इतना होना चाहिए कि 10 रुपये भी एक आपका दाना गिरे ना, आप उसको उठा के खा लो, क्या पता उस एक चावल के दाने में आपका रिस्क छुपा हुआ हो। तो कहते हैं कि कभी भी अनाज को ज़ाया ना करो, लोग तरस रहे होते हैं अनाज के लिए। आपको अल्लाह ताला ने दिया है आप फिर मेरे इसकी कदर करें, आपको जो अल्लाह ताला ने दिया है आप उसे बांटें, कोई कुछ गिर गया है आप उसे उठा लें। ये तो बेसिकली एक अच्छी लाइफ गुजारनी है अच्छा, तो आपको ये रूल आने चाहिए। बस अब बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें चावल ऐड करने जा रही हूँ, ठीक है। खड़े नहीं रहना उसके पास जब तक हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, अपनी खाना ही बनाना है भाई, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखेंगी तो आप अपने घर वालों का ख्याल रख सकेंगी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो आपको कुछ हो तो आप खाना वहीं रह जाए। पहले मैंने कुछ और काम कर लिया जब तक ये बॉयल हो रहा था, अब मैं वापस आ गई एंड देन कंटिन्यू विद माय ब्लॉग। सी माय बॉल, देख सकते हैं एक भी दाना नहीं है चावल का, और यह आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए चावल का एक दाना भी नहीं छूटे, क्योंकि यार सीरियसली इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बंदा एक बंदा एक खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, और हम होते हैं अनाज को ज़ाया कर देते हैं, हम ऐसे भी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इतना होना चाहिए कि 10 रुपये भी एक आपका दाना गिरे ना, आप उसको उठा के खा लो, क्या पता उस एक चावल के दाने में आपका रिस्क छुपा हुआ हो। तो कहते हैं कि कभी भी अनाज को ज़ाया ना करो, लोग तरस रहे होते हैं अनाज के लिए। आपको अल्लाह ताला ने दिया है आप फिर मेरे इसकी कदर करें, आपको जो अल्लाह ताला ने दिया है आप उसे बांटें, कोई कुछ गिर गया है आप उसे उठा लें। ये तो बेसिकली एक अच्छी लाइफ गुजारनी है अच्छा, तो आपको ये रूल आने चाहिए। बस अब बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें चावल ऐड करने जा रही हूँ, ठीक है। खड़े नहीं रहना उसके पास जब तक हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, अपनी खाना ही बनाना है भाई, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखेंगी तो आप अपने घर वालों का ख्याल रख सकेंगी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो आपको कुछ हो तो आप खाना वहीं रह जाए। पहले मैंने कुछ और काम कर लिया जब तक ये बॉयल हो रहा था, अब मैं वापस आ गई एंड देन कंटिन्यू विद माय ब्लॉग। मिक्स कर चुकी मैं अपने चावल जो भिगोए हुए थे, अब बच गए मेरे वो चावल जो कल के पड़े हुए थे, उसे ही तो हमें यूटिलाइज करने के लिए आज की ये रेसिपी चूज़ की मैंने। इसको पता लगेगा मेरे ख्याल से कि कोई 3rd पर्सन अगर 4th पर्सन समझ, तो मेरे कोई मामू आ गए अचानक,
लंच के टाइम हुआ, हमने कहा बैठ जाए मामू आज हमारे साथ लंच कर ले प्लीज़। यहाँ वो चावल भी ऐड हो गए जो हमारे कल वाले रिमेनिंग थे। देखिए इस तरह हमने डाले। अब वापस अब हम इसको ऐसे रख नहीं देंगे, इसको हम मिक्स करेंगे विद राइस। चावल हमारे रेडी हो गए। अब हम इसे एक कहेंगे ये रेसिपी में चिकन वाइट टिक्का स्मोक पुलाव। चावल हमारे रेडी हो गए। अब हम इसे एक कहेंगे ये रेसिपी में चिकन वाइट टिक्का स्मोक पुलाव। चावल हमारे रेडी हो गए। अब हम इसे एक कहेंगे ये रेसिपी में चिकन वाइट टिक्का स्मोक पुलाव। स्मोक क्या मतलब? जो धुआं निकलता है वो नज़र आ रहा है ये स्मोक? नो, कोल वाला स्मोक। अभी हम इसे कोयले का धुआं देंगे। ये कोल हमने इसको फ्लेम पे रख दिया, ये कोल हमने इसको फ्लेम पे रख दिया। यहाँ फ्लेम मैंने कम कर लिया है। इसको ऐसे करेंगे, सॉरी फॉर द नॉइस, अगेन कह रही हूँ अकेली ही कर रही हूँ। तो देखिए मेरे लाइट भी है और ये हमारा कोयला भी है, हो चुका है। बस अब हमें इसमें स्मोक देना है। जस्ट आपने इसको, हू लव द स्मेल ऑफ स्मोक, मेरे पूरे घर में इस वक्त स्मोक की खुशबू हो गई है। एंड अब वीडियो में फ्रेगरेंस तो भेज नहीं सकते, इतना आर्टिफिशियल इतना मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसी स्मोक की आ रही खुशबू, लेकिन सच अ लवली लवली, ऐसा लग रहा है मेरे घर में बारबेक्यू है। ऐसे स्मूथ से करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अभी आप छोटे हैं लाइक, तो अभी आप ये नहीं करें। आप ये छोटे आप क्योंकि 40 ईयर्स किसी भी एज की को भी, अगर आपको एज में हैं, अगर आपको शौक है कुकिंग का, वन थिंग व्हाट आई डू दिस कि मैंने यहाँ पे देख रही क्या रखा है, आप सोच रहे होंगे मैंने रखा है यहाँ पे रोटी का पीस, ठीक है, टॉर्टिलास। वन थिंग अगेन इन प्लीज इंग्लिश, टॉर्टिला मीन्स, टॉर्टिलास मीन्स रोटी। वन थिंग व्हाट आई डू दिस कि मैंने यहाँ पे देख रही क्या रखा है, आप सोच रहे होंगे मैंने रखा है यहाँ पे रोटी का पीस, ठीक है, टॉर्टिलास। वन थिंग अगेन इन प्लीज इंग्लिश, टॉर्टिला मीन्स, टॉर्टिलास मीन्स रोटी। दिस इज दैट्स वाई आई नीम माई चैनल आर के क्रिएटिव व्लॉग, राइया खबर क्रिएटिव व्लॉग। आपको इसमें सिर्फ खाना नहीं मिलेगा। आ क्या इसको अब मैं लिख लगा दूँ, हो जाएगा मेरा ये चिकन वाइट टिक्का स्मोक पुलाव रेडी? नो, वन थिंग शुड यू ऐड, अगर आपको पीछे से किसी वीडियो की वॉइस आ रही है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, माय बाबा इज़ बिजी यूजिंग सेल फोन। अब देखिए मैंने ये कोल को इसकी टॉर्च ला के ऊपर रख दिया है। कोल मीन कोयला, चारकोल के कहते हैं कोयला, चारकोल किससे बनता है? कोल से, और इसको कहते हैं कोल एंड टॉर्टिला। अब मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, कोयले को मैंने रखा है रोटी पे। अब मैंने क्या करना है, इस पे ऊपर डालना है ऑयल, निकला स्मोक, वाओ इट सीम्स सो नाइस। आई जस्ट कवर्ड लेट, नाउ फ़ौरन से आपको धुआं निकले और फ़ौरन लेट लगनी है। अगर आपका धुआं निकल गया आप वो स्मोक का फिर वो फ्लेवर इतना नहीं आएगा जितना आपने डायरेक्टली वो काम करना है, यू हैव टू बी फास्ट। कुछ देर के बाद में इसको देख लें, कुछ देर के बाद में इसे हटा के बताऊँगी इसका रिजल्ट। ये कोयला अब हम उससे हटा देंगे, रखेंगे नहीं, ठीक है, रिमूव दिस कोयल कोल, सॉरी कोयल निकल गया मुझसे, रिमूव दिस कोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द राइस। ये कोयला अब हम उससे हटा देंगे, रखेंगे नहीं, ठीक है, रिमूव दिस कोयल कोल, सॉरी कोयल निकल गया मुझसे, रिमूव दिस कोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द राइस। देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको कोल को हटा दिया है,
कोयले को मैंने हटा दिया, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं जा रही, कोयले को हटा दिया, भाई कैजुअल बात करनी है। देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको कोल को हटा दिया, कोयले को मैंने हटा दिया, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं जा रही, कोयले को हटा दिया, भाई कैजुअल बात करनी है, ठीक है, क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी सो शाय। देख लें, ये सब हमने जो डाला था साथ में, हमारा ये स्टेज है कि अब हम इसको अपने तवे के ऊपर दम देंगे। मैंने इसको कवर भी करा हुआ है, थोड़ा सा खुला है, लेकिन मैं इसको अभी वापस से पूरा लिड को लगा दूँगी। इसको खुला नहीं रखना है, इसको इस तरह बंद कर देना है, ठीक है। रख रही हूँ मैं फिर से, ओके, थोड़ा कपड़ा ले लूँ भाई, मेरा हाथ ना जल जाए, बहुत दफ़ा हाथ जलने, अब नहीं जलाना और फिर जलना। नाउ माय चिकन टिक्का स्मोक बिरयानी, यस, इज रेडी। फ्रेग्रेंस स्मेल सो नाइस। अगेन कवरिंग द लिड विथ स्लो फ्लेम, नॉट हाई, जलाना नहीं है भाई खाने को, वरना फिर मम्मा बोलेंगी जलाना का खाना कभी मैंने खिलाया जो आप ला रही हैं मुझे। बट ये कि नई चीज़ बन गई, चिकन टिक्का स्मोक बिरयानी, होप मेरे घर वाले से पसंद कर लें, पापा बहुत पसंद आएगी, एंड आई होप माई मामा विल लाइक इट टू।